सिंगरौली में फूड प्वाइजनिंग के चलते दो सगे भाई बहनों की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है छमरच गांव के रहने वाले इस परिवार ने दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद बालक रितेश साकेत और उसकी बहन रोशनी साकेत समेत मां की हालत खराब हो गई। परिजनों ने प्राथमिक उपचार एक झोला छाप डॉक्टर से करवाया, जिसके बाद तबीयत और बिगड़ने से कुछ ही घंटों में भाई बहन की मौत हो गई। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि देवसर SDM और स्वास्थ्य अमला पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम दृष्टया ये लगता है कि जो बच्चों को 22 तारीख को कुछ इवनिंग में कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, जिनमें उन्होंने जो स्थानीय स्तर पर उसका इलाज करवाया था, उसके उपरांत जो है उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ और बाद में की स्थिति और बिगड़ती चली गई, तो फिर उनमें नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पहुँचते बच्चों की मृत्यु हो गई। अभी इसमें हमने जो SDM है और वहाँ के जो BMO है उनको तत्काल तरीके से वहाँ जाकर वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि छमरच में पिछले दो दिन से एक साकेत परिवार की महिला है, अपने दो बच्चों के साथ वहाँ निवास करती थी और उनके पति जो हैं वो गुजरात में मजदूरी करने गए थे। दो दिन पहले उनने कुछ अपने यहाँ भोजन बना करके खाया था बच्चों के साथ, उसके बाद बच्चे और उन महिला दोनों जो हैं बीमार हो गए और उनको लूज मोशंस और उल्टियाँ आ रही थी। उन्हें स्थानीय कहीं से कुछ दवा कराया था लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। आज महिला गंभीर हालत में उसको सीधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों बच्चों की डेथ हो गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।